TM24 न्यूज चैनल में मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे पास मौजूद है रूमी गेट पर, जहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बस इस एक दिन में लोगों के बीच में देशभक्ति दिखती है, उसका कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगी कि उसका एक मंजर पीछे आप लोग को दिखला दें। एक शायरी है इनकलाबी शायर कामिल शफीकी की, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत वहीं क्यों जलाती है दीपक, हुकूमत वहीं क्यों जलाती है दीपक, जहां रोशनी है अंधेरा नहीं है। हुकूमत वहीं क्यों जलाती है दीपक, जहां रोशनी है अंधेरा नहीं है। शहीदों ने जिसके लिए खून बहाया, अभी देश में वो सवेरा नहीं है। इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से सवाल करेंगे कि जिस देश के लिए, जिस देश की कुर्बानी महात्मा गांधी जैसे वीरों ने दिया, उस देश की क्या वही छवि दिखती है। जी नसीम जावेद जी, ये बताइए कि जिस देश में महात्मा गांधी जैसे वीरों ने कुर्बानी दिया, क्या लगता है आज देश की वही छवि रहेगी? क्या देश में भ्रष्टाचार नहीं रह गया है? आपको क्या लगता है कि हमारे देश में से महात्मा गांधी है या वीर अब्दुल हमीद जिसने कुर्बानी दी, क्या वैसे देश अभी तक के है, अभी तक के सुरक्षित? जी बोलिए क्वेश्चन आप। क्या लगता है महिला सुरक्षा पर कितना सरकार काम कर पाई है? आज देश में आज़ादी की बात होती है, महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर? देखिए, हमारे अमित शाह जी ने मंच पे कहा था कि रात के 12 बजे भी महिलाएं गहने पहन के जा सकती हैं और वो सुरक्षित है। तो ये उनकी बातें जो है बिल्कुल झूठी बातें हैं। और मैं हकीकत ये बता दूं कि रात के अंधेरे में बेटियों की लाश जरूर जलाई जाती है, पर सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि उन्नाव में जब लड़की का जो पीड़िता थी उसकी पूरी गाड़ी पलट गई थी, अगर सुरक्षा की बात है तो पूरी फैमिली मर गई। मतलब सोचिए, बड़ी सोचने वाली बात है कि दिन प्रतिदिन जो खासकर महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ छेड़खानी बलात्कार की संख्या, जो घटनाएं हो रही है, बहुत ही दर्दनाक है। सरकार इस पर कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुँह से भी निकल जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब बताइए कहाँ सुरक्षा की बात है? ऐसे सर्वोच्च पद पर देश का प्रधानमंत्री है और बेटी पढ़ाओ जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हो, तो का है, आप खुद ही सोच सकती है। आप महिलाओं से पूछे तो वो सुरक्षा नहीं है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऑफ कैमरा हो गया, तो ऑन कैमरा कुछ बात करना चाहती, बताइए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं खुलेआम घूम रही हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं खुलेआम घूम रही हूँ तो आज़ाद हूँ। लोग कहते हैं कि लड़कियां दुपट्टा नहीं रखती हैं तो बलात्कार हो जाता है, वो हंस के बोलती हैं तो बलात्कार हो जाता है, वो किसी से मिलजुल जाती हैं तो बलात्कार हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं सेफ़ हैं। क्यों नहीं सेफ़ हैं? क्योंकि बताए, हमको कहीं सेफ़ महसूस हुआ ही नहीं है अभी तक के, क्योंकि हमें नहीं लगता है कोई भी सरकार जो हमारे हित में काम करी हो अभी तक की, ना तो गर्ल्स के लिए कोई ऐसी सरकार बनी है जो काम करी हो। सबने यही एक काम करा है कि लोगों को भड़काना और मुद्दों पे लाना, ये बात करना। हिंदू मुस्लिम एक ऐसा मुद्दा हो गया, एक ऐसी जड़ आ गई है कि हिंदू मुस्लिम लेके मुद्दा आएंगे और लड़ाएंगे तो लोग बताए पार्टी में आएंगे और नई नई राजनीति करेंगे। तो राजनीति का एक ही सिर्फ उद्देश्य है, हिंदू मुस्लिम कराओ और गोश को लेके बातचीत कराना, और लड़कियों को बताए पर्दे में, बिल्कुल पर्दा हमारी सब सेफ्टी के लिए, बहुत थैंक यू सो मच। हम लोग रहते हैं मगर जो पर्दे में होती हैं उनका तक के हो जाता है, यहाँ तक कि 7 साल की बच्चियों का क्या करते हो, उनमें क्या शरीर में देख लेते हो जो बलात्कार हो जाते हैं। तो आप ऐसी सरकार के गुणगान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो भैया जब आप प्रधानमंत्री हो के हम लोगों को खुद आदेश दे रहे हैं, तो मेरा तो भैया मानना है कि भैया जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं पर डिपेंड है। प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि वो देश का पूरा सर्वश्रेष्ठ है। मतलब लगता है कि देश का पूरा छवि जो है वो बदल चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि बताए जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है वही तो पूरे देश को चला रहे हैं, खाना पीना सोना वही डिसाइड करते हैं कि कौन इंसान क्या खाएगा क्या पिएगा और कैसे जिएगा। जी सर, आप? जी मेरा नाम आसिफ है। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाए। आसिफ जी, ये बताइए जब सरकार के लोगों से बाइट लेने जाओ तो उन लोगों का ये कहना है कि इतने करोड़ युवाओं की या इतने करोड़ आबादी है उसकी सुरक्षा वहाँ पर कैसे, इतने करोड़ लोगों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार वहाँ प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे। भाई देश के प्रधानमंत्री इसलिए चुने जाते हैं कि हमारे जनता की सुरक्षा कर सके। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं इतनी करोड़ आबादी है, ठीक है वो नालायक है, इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री, अपने घर जाके बैठ जाए। व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते प्रधानमंत्री की पोजीशन में, प्रधानमंत्री तो इसीलिए तो उनका सम्मान करते, नहीं तो घर ना बैठे रहते। तो
क्या रहते हैं अखिलेश यादव कितना, मतलब उनका क्रेज कितना दिख रहा है लोगों को? अरे ये तो अखिलेश यादव का क्रेज कितना है बता दो भैया, ये क्रेज है अखिलेश यादव। लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वापस नहीं आएंगे, वो तो अपने मठ में चले गए। गोरखपुर जहाँ से आए थे वहीं चले गए, वो जहाँ से आए थे वहीं चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। क्यों इतनी नाराजगी हो गई है भाजपा सरकार से? अच्छा तो आप बता दीजिए, एक आम जनता आम नागरिक होने के नजरिए से बता दीजिए, किन किन मुद्दों पर लगा भाजपा सरकार ने 5 साल में बिल्कुल काम ही नहीं किया? शिक्षा को ले लो, रोजगार को ले लो, नौकरी नहीं है, युवा सब ऐसे ही घूम रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं पकौड़े तल लो, इंजीनियर पकौड़े तलेगा, इंजीनियर ऐसे ही कर रहे हैं, इंजीनियर पकौड़े तलेगा। आप बताइए, आप एक पत्रकार हो, हम आपको बोले पकौड़े तल ले तो आप तल लोगे पकौड़े? विकास ये मुद्दा है, नौकरी कुछ नहीं है। इस मुद्दों पर लेके अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। काफी मुद्दा है बेरोजगारी का है, महंगाई, ये पीछे जो आप एक भीड़ देख रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि जब आम जनता के बीच में बात करते हैं, जब युवाओं से बातचीत करते हैं, तो समझ में आता है कि युवाओं का जो है पूरा रुझान अखिलेश यादव की तरफ है। और शायद हाँ इसलिए क्योंकि जो सरकार काम करती है उस वजह से जो है लोग अखिलेश यादव का क्रेज दिख रहा है। भाजपा सरकार से काफ़ी निराशा है, कई तरह के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, सिर्फ राशन बांटने से सवाल आता है कि घर नहीं पल पाता, इस वजह से रुझान अखिलेश यादव का है। बहुत ही रोमांचक होगा 2022 के इलेक्शन में इस बार देखने के लिए इन दो पार्टियों की टक्कर। आप पश्चिम में देख पा रहे हैं, ये जो केराना पलायन की बात कर रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं स्वयं राजनाथ, क्या नाम, गृह मंत्री अमित शाह, योगी जी और मोदी जी केराना में चुनाव लड़े और वो नाहिद हसन जी को हरा के दिखाए, हम मान जाएंगे, हम बीजेपी में चले जाएंगे अगर उन्होंने इन्हें हरा दिया नाहिद हसन जी को। जितना है पहला पलायन करेंगे ना, इतनी जल्दी नाहिद हसन जीत के आएगा लखनऊ में विधानसभा में और हम सबकी आवाज उठाएगा। हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें फ्री अनाज नहीं चाहिए, हम अनाज खुद कमा लेंगे लेकिन शिक्षा चाहिए हमें। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का होता है। आपने बोला अनाज दे रही है, ये तो सपा सरकार में भी मिलता था, अभी इस सरकार में मिलता क्या है? सपा सरकार में सुनो, सपा सरकार में एक राशन कार्ड पे 1 किलो चीनी मिलती थी, मट्टी का तेल मिलता था, घास ले, यही मुद्दों पर बात करिए कि हाँ अनाज मिलता था, बस ये मिलता था ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, इस मुद्दे पे क्यों नहीं, इस सरकार में क्या मिलता है? इस सरकार में लॉकडाउन के टाइम एक ही राशन फ्री किया है ना, 2 राशन मिलते हैं महीने में। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता, सोचिए आप, लॉकडाउन नहीं लगा होता और भाजपा की सरकार नहीं होती और कोई सरकार होती, हो सकता है लॉकडाउन के टाइम जितने आदमी मरे वे नहीं मरते बीमारी से, और इनसे बेहतर इनको सुविधा मिलती। बहुत सारे सवाल हो गए। हम ये कहते हैं जैसे बच्चों की फीसें गई हैं, बच्चा अपने घर रहा, सरकार माफ करती है ना फीस क्यों? जब मानते सरकार अच्छी है, पैसा भरपूर जा रही है, बच्चा पढ़ने जा रही है, उन्होंने कहते लॉकडाउन है साहब, संपूर्ण लॉकडाउन है, कोई लॉकडाउन नहीं है इनके लिए, लॉकडाउन हमारे लिए लॉकडाउन नहीं है। क्या क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए ताकि जो देश आज आज़ाद कहलाता है तो वाकई में आज़ादी का मतलब समझ में आए लोगों को? देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शिक्षा और फिर है स्वास्थ्य और रोजगार। देखिए शिक्षा अगर अच्छी होती तो आज आप जान सकते हैं कि आज कितने नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, आप देख रहे हैं जिनका भविष्य अंधकार में डूब गया, सरकार UAPA के तहत उन पर मुकदमा लगाकर उनको जेलों में डाल पड़े। अब आप बताइए, हम एक तरफ कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम संविधान को मानते हैं, संविधान को जानते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं, जब विरोध करते हैं तो सरकार हमें जेलों में बंद कर देती है। आज हमारे ना जाने कितने नौजवान साथी हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके घर और जिनका परिवार, जिनके माँ बाप परेशान। और दूसरा है स्वास्थ्य, आप देख रही है कोविड के दौरान कितनी परेशानियों से हमारा देश जूझ रहा, एक बिल्कुल आपातकाल चल रहा था, उस दौरान अगर अच्छी चिकित्सा और सुविधाएं मिलती तो शायद ये दिक्कतें हम लोगों को ना पड़ती, लोगों को आसानी से लाशें, आपने देखा होगा कि लाशें, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। मोहम्मद आरिफ अंसारी जी, ये बताइए कि आज 73rd रिपब्लिक डे है, इस दिन को आप किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी देश के लिए, किस नजरिए से देखते हैं कि आज देश की वो छवि रह गई है? छवि तो नहीं रही है, मतलब यह है कि कहने चाह रहे हैं कि सरकार जो है समाजवादी आनी चाहिए, इस सरकार ने तो गरीबी की बेकार हो गए, बिल्कुल पैदल हो गए, दो गरीब बिल्कुल बेकार हो गए,
हम खुद स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, हमारी फीस जा पढ़ाई करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा हूँ मैं, और अभी एग्जाम भी हुए हैं, एग्जाम भी थोड़े रवा के रह गए हैं। मगर जनता ये कह रही है कि नाज मिल जाएगी सरकार, यही अच्छी है। नाज से क्या हो रहा, नाज से कुछ नहीं हो रहा, नाज तो हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए, विकास होने चाहिए, बेरोजगारी मिलनी चाहिए, ये काम अच्छे लगे हैं, तभी सरकार बना पाएंगी। अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। अखिलेश यादव ने काफी काम किया है, अखिलेश यादव ने बहुत काम करे, मिनी मेट्रो लखनऊ में लाए हैं, एजुकेशन बच्चों की बढ़िया है, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी है। इस सरकार में कोई कुछ नहीं है, 2 साल से लॉकडाउन की वजह से फीस भर रहे हैं, कोई बच्चा कॉलेज पढ़ने नहीं जा रहा है, या तो सरकार माफ करे उस फीस को। बस मेरा यही अपील है। आप कुछ कहना चाहिए? मैडम, मैंने एक छोटी सी एक दो लाइन लिखी है, मैं पढ़ के सुना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल में टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। मेरी आँखों ने देखे हैं कई और मंजर, मगर तेरे अखबार की सरखियाँ कुछ और कहती हैं। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, जो आज मीडिया बिकाऊ हो गई है, उस पर इन्होंने अपने शब्दों के जरिए बहुत बड़ा तंज कसा है। इनका इशारा ये है कि जिस तरीके से आज़ादी के दिन पर लोग देशभक्ति दिखाते हैं, मीडिया को स्वतंत्र होकर निष्पक्षता के साथ पूरा काम करना चाहिए, जो सरकार जनता के हक में काम करे उसकी तरफ से आवाज़ उठाना चाहिए, है ना? आपका यही कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया, लोगों से बातचीत किया। 73rd रिपब्लिक डे पर लोग क्या सोचते हैं, एक दिन की देशभक्ति जो दिखी है वो पीछे आप मंजर देख सकते हैं। इसी दौरान हम फिर किसी नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए TM24 न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद सैफ खान के साथ ज़ैनब आकिल खान।